तो आप जान ही चुके होंगे जनता के मन का हाल कि आखिर यूपी की जनता को कैसा नेता चाहिए, मोदी जी जैसे। तो अगर नेता मोदी जी जैसा हो तो आप चुनाव कैसे जीतेंगे? झूठ के बल पर। तालियां। इतनी ईमानदारी से राहुल जी ने जवाब दिया, तो एक ईमानदारी से और एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप चुनाव से क्या चाहते हैं? सिर्फ सरकार नहीं बनाना चाहते हैं। अच्छा, तो क्यों आए यहाँ पे? हम यहाँ उत्तर प्रदेश के युवाओं का टाइम जाया करने आए हैं। जाया करने आए हैं। अच्छा, तो मतलब अब तक जितनी भी रैलियां आपने करी हैं उनमें उत्तर प्रदेश के युवा का टाइम जाया किया है। जाया किया है, मतलब कितने युवाओं का वक्त जाया कराया होगा आप लोगों ने? 2,02,00,000 युवाओं को। अच्छा, 2,02,00,000 मेरे को नहीं पता, लेकिन कराया। अच्छा, और इतने लोगों का जो आपने वक्त जाया करवाया, इनको रोजगार कौन देगा? 2,00,00,000 युवाओं को नरेंद्र मोदी रोजगार देगा। छोड़िए सर, ये बताइए, अब पॉलिटिक्स से हटके मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अभी हाल ही में महाशिवरात्रि गई है, भोलेनाथ डमरू कैसे बजाते हैं एक बार जरा? और पतंग का मांझा कैसे लपेटते हैं एक बार जरा? सॉरी, ये सिर्फ मजाक के लिए था। आप वापस से लाइन पे आते हैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि ये बताइए, अगर पॉलिटिक्स की दुकान बंद हो जाए आप, तो क्या कोई और ऑप्शन सोचा आपने करियर के लिए? आइडिया आया है। क्या आइडिया? अपने जेब में देखो। एक सेकंड। ये मेरी जेब में आपने कब रखवाया? और आप इसमें लिख के ये कहते हो कि पिक्चर बनाएंगे? जैसे बॉलीवुड की पिक्चर बनती है ना। अच्छा, मतलब फिल्म बनाएंगे। फिल्म में क्या क्या होता है पता है आपको? उसमें डायरेक्टर होता है, एक्टर होता है, एक्ट्रेस होती है, प्रोड्यूसर होता है, कैमरामैन होता है, शूटिंग होती है, तो सब 5-6 चीजें होती है। मतलब आपकी पिक्चर में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कैमरामैन, ये सब का काम, रोल कौन करेगा? मतलब उसमें एक्टर भी मोदी, डायरेक्टर भी मोदी, प्रोड्यूसर भी मोदी, कैमरामैन भी मोदी, कैमरा भी मोदी। और एक्ट्रेस? एक्ट्रेस भी मोदी। अरे बहुत बढ़िया। और कैमरा? कैमरा भी मोदी। कैमरा भी मोदी, बहुत बढ़िया। क्या फिल्म में कर रहे हैं आप? वैसे इतना टैलेंट लाए कहाँ से? नेचुरल है, नेचुरल। भोलेनाथ आपका ये नेचर बरकरार रखें और आप पे उनकी कृपा बरसती रहे। वैसे एक बार बता दीजिए, भोलेनाथ जी डमरू कैसे बजाते हैं?